तो हेलो दोस्तों, इस प्यारे से व्यू से हमारे आज के ब्लॉग का शुभारंभ होता है। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग हमारे किसी पशु से रिलेटेड है जो हमारे बहुत ही खास है, जिनसे हम सभी को बहुत अच्छा लगाव है। तो हमारा पशु कौन सा, ये देखते हैं आगे की वीडियो में। सबसे पहले ये देखिए प्यारा सा व्यू, क्योंकि बहुत ही अच्छा। और हमारी ये भेड़े हैं, आप देख सकते हो ये शाम हो चुकी है और इनको डेरों पर ले जाया जा रहा। और हमारे आज इस वाले ऊँट की सैलून ले जाने की, कटिंग करवाने की पारी है, क्योंकि एक दिन में एक ऊँटों की कटिंग होती है बालों की, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं तो उनको अनकंफर्टेबल होता है। तो हमने आज तय करा है कि आज हम उनके बालों की कटिंग करवाने के लिए ले जाएंगे। अभी तो फिलहाल शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं। तो ये सब अपने डेरे, और हमने सैलून वाले भैया को बुला लिया, क्योंकि हम इनको वहाँ पर लेने जा सकते, तो हमने सैलून वाले भैया को यहीं पर बुला लिया। और अम्मा को देखो कितने प्यार से केयर कर रही है उनकी, क्योंकि उनको भी बहुत लगाव है हमारी तरह पर, हमारी तरह बहुत ही ज़्यादा इनको भी प्यार है इस पशु से। और उनका जब तक फ़ोन आ गया और बात करने लगे, तो हमने इस भैया से पूछा कि कौन सी कटिंग कर रहे हो, तो आपने उन्होंने बताया कि अभी हम बताएंगे, आखिरी में दिखाएंगे भी सी कितनी डिज़ाइन वाली कटिंग करेंगे, और इनका नाम भी बताएंगे, आप लोग बेफिक्र रहो। काटते समय ने पूछा भैया इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? बोले नहीं, बालों तो कटवाने ही चाहिए टाइम टाइम से, क्योंकि पशुओं को भी हल्का होना अच्छा लगता है, क्योंकि उनके ऊपर भी भार रहे तो अनकंफर्टेबल होता है। नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, ये भैया ने एक जंगल में रहते हैं बाहर, नमस्ते करो, सिखाओ उनको कैसे करना चाहिए। हाँ, ऊँट खरीदने आए हम तो। अरे तो एक नफा नहीं पाई है, आपको भी लेना है क्या? भाई तो मैंने पूछी मैं गया कहाँ है, कहाँ गया सब ऊँट, कहाँ गया इधर। इसका नाम हम तो होगा कुछ कि नहीं है, ऊँटों का नाम नहीं है भैया। गारे भोगट लड़ाई है, हड्डे भोगट लड़ावे, शरीर मारो गजी आना के देखी है। खतरनाक हो जा रहे हैं, फोन आ रही है बीजे, तब आई फोन आ रही है, मदर वाली फोन करो। ये पकड़ रस्सी, देख लो भैंस सवारी करेंगे। पीहू इधर देखो, ए पीहू इधर देखो, इधर बाबू इधर देखो यार, वो तो वहीं जाएगी। चल पकड़ रस्सी, करवा तेरी बीजी फिटिंग पूरी। चल ये कहीं तुम्हारी लाड़ी है? हाँ अना के लाड़ी है। हाँ तो छेड़ा नहीं निकालो? नहीं है। कौन जाती है तुम्हें? पाटीदार। ओ भाई शर्म आ रहे हैं। ओ भाई इतने सासरन सासरा के ऐसी अपन छोरी लेके आते, छोरी अपन बहुत बोला छोरी है। हाँ मैं तो ऐसे नहीं सालो, मैं तो देखो नहीं कभी ऐसे। ये अपनी उम्र गई, अब एक छोरी तो ऐसे रखनी पड़े, इनके भागी जाए दूसरे के सही। हाँ टमाटे रोके रे अपना आगे जैसी राशि नो ये समझ ने अपनी उम्र तो गुजरी है। अपनो का नाम है यार, नाम भूल ही गया मैं यार, यार नहीं मालूम, गोविंद पटदार है नहीं? अरे गोविंद जी मालूम तो तेरे को, क्या नाम बड़ा भाई का? पंकज सक्कर। शंकर शंकर ये जिराफ जैसा क्या दिख रहा है यहाँ? उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा है। एक मिन्ना पकड़ना, एक बच्चा पकड़ना, तो कुत्ते के लिए बने
और आज के दिन की इस वाले वुड की कटिंग तो लगभग लगभग पूरी प्रोसेस हो गई समाप्त, क्योंकि अब थोड़ा सा बाकी है बस पाँव के पास का। लास्ट लगभग सारी कटिंग ख़त्म हो गई आ चुकी और अब बाकी हो आप पूंछ पे देख रहे हो पीछे उसकी कूबड़ पर, क्योंकि कूबड़ के बाद बाल तो नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि जैसे लोगों के यहाँ ऊपर कहते हैं चुड़ाई रखती जाती है ना आदमियों को, ऐसे इनको भी चुड़ाई रखी जाती है। तो इसके बाद बाल तो आगे के नहीं कटेंगे, अब इनको देना है सेप यानी डिज़ाइन, क्या नाम होता है अब आपको वो भी दिखाएंगे कि बाल वाली कटिंग का कौन सी डिज़ाइन दिया जाएगा और कौन सा सेप होएगा। इसके आगे सेविंग भी आपको दिखाते हैं। तो इसके पहले आप लोग और बताइए, जो जो हमारे चैनल पर नए बने हो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो। जो दारू पीता वो भी उस जन्म में झूठ ही बनेगा। इतने बड़े बड़े दांत हो गए, इतने बड़े बड़े, आपको भी, आपको बोल रही हूँ मैं तो, आपको भी। Thank you.